ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जी अभी मैं बना रही हूँ पराठा और अभी दिन के बज रहे हैं दो बज चुके हैं और यहाँ पर मैं बनाती जा रही हूँ पराठे या रोटी के ऊपर घी लगा रही। और देखो गाइस ये मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरी मेहंदी का कलर इतना अच्छा आया, देखो ऐसे बैठे बैठे टाइम पास कर लिया। और ये है चावल ही बनाए हैं मैंने मसाले वाले, है ना। और मैंने बनाई है आलू की सब्जी, दिखाती हूँ ये रही सब्जी। जी कुछ गाय जी गाय वेलकम बैक टू माई चैनल। जी अभी इसको लग रहे पहले मुझे और ये चावल में ना थोड़ी मिर्ची तेज हो गई है इस वजह से, तो अभी मैं ऐसे कर लेती हूँ थोड़ी साफ सुथरा दूसरा पेटों पर। खतरी फैला बड़ी बुरी है रसोई, इस वजह से पहले यहाँ से सफाई करूँगी और गाइस मुझे लग रही थी। तो मैंने अपने लिए सेब काटा था एक, तो थोड़ा बहुत सेब मैंने खा लिया है, अभी दो दिन 20 बजे हैं, तो ये मैं खा लेती हूँ एप्पल। और रोज़ एक सेब आपको भी खाने चाहिए, कौन कौन रोज़ एक सेब खाता है तो मैंने आपको बताना। खाना मुझे बन गया है, थोड़ा सा बचाया था इसमें फ्रीज में रख देती हूँ। खाना जो पराठा इतना जल जाता है ना उसको मैं खा लेती हूँ। और आज प्लेस बनकर ये गाय वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये अगले डे का मतलब मैंने ब्लॉग बनाया था, तो मैंने ना कल आधा ही ब्लॉग बनाया था, तो ये उसके अगले दिन का वीडियो है ना। तो जी अब उस वीडियो में भी हमने खाना बनाया था और इसमें भी हम खाना ही बना रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का मकसद तो सिर्फ यही है, धैर रोटी पे रोटी इंसान कितना खाता है गाइस बताना जरूर।
खाने के चक्कर में तो ये संघर्ष है, ठीक है ना। और अभी देखिए मैं दोबारा कर रही हूँ काम, देखो मैंने दोबारा कुकर चढ़ा दिया है, प्याज काट दिए हैं, ये टमाटर। तो जी अब दोबारा सब्जी बनाएंगे, तेल भी गर्म हो गया है। तो कल मैं ना मतलब कल का ब्लॉग मैं ना एंड ना कर नहीं पाई थी, ये रही सब्जी, इसलिए मैंने कहा चलो खाना तो मैं बनाई हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं और एंड भी कर देंगे इस वजह से। तो ये बताइए कैसे हैं आप सब, हम तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है जी। और अभी मैंने ना दोपहर में मतलब दुकान बंद कर रखी, दोपहर क्या 5 बज रहे हैं, दुकान मैंने बंद कर रखी है। तो हम सब्ज़ी लेने ना चले गए थे हम, और फिर सब्ज़ी लेने में गए थे, फिर हमें कहीं और भी जाना था तो वहाँ भी होकर आए हैं, तो वहाँ पर हम होकर आ गए हैं और वहाँ से नहा था सब्ज़ी भी लिया। मैंने कहा फिर अब एक ही बार ही खोलूँगी दुकान, सब्ज़ी वब्जी बनाने के बाद में, खाना वाना बनाने के बाद में, है ना। तो ही चलिए फिर बनाते सब्ज़ी, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी भाई सब्ज़ी बन रही है, मैं सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है होने के लिए, और अभी चलते हैं, थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि आज ना सुबह से ही मतलब भगदौड़ लग रही है, और रात को मेरे को नहाने का मैंने बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो मैं सोच रही हूँ अब क्या नहाऊँ, वैसे भी शाम हो गई, 5 बज गए, तो खाना वाना बनाऊँगी तो फिर वही टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ रात में नहा दूँगी आराम से फ्री होके, बस फिर सोने का ही काम रहेगा। और अभी मुझे दुकान भी खोलनी है ना, क्या क्या काम करना पड़ता है एक लेडीज़ को भाई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे चल रहा है टीवी, अभी देखो चद्दर फैला के, मतलब ये ना मेरा बेड यहाँ से ना ये टूट गया है, और इसकी ना बेल्डिंग करवानी पड़ेगी, ये सारा टूट गया है, देखो कैसे ऊंचा हो रहा है। और ये फैला के चला गया, अभी आएगा ना वो, अब गया है नहाने के लिए, सुबह से बैठा हुआ था, तो इसको भी करवाना पड़ेगा सही, चलो बाद में करवाएंगे। मैं बैठे सिया टीवी देख रही है प्लीज़, और अब मैं पीछे चलो पानी, क्योंकि आगे ना मैंने पानी भी नहीं पिया था, डायरेक्ट सब्जी बनाने लग गई थी सुबह से ना, बस यहाँ से वहाँ यहाँ से भगना ही लगा हुआ है। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी, ओके इसे कर देते हैं बंद, और चलिए और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि 2 मिनट का हो चुका है, मेरे पापा सुनते सुनते आप भी बोर हो गए होंगे, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे कल अगले ब्लॉग में। देखो मेरी मेहंदी, मेरी मेहंदी का कलर तो फीका पड़ेगा, चलिए बाय।